पिक्चर की इतनी डिमांड, एक दिन में 8 शो चल रहे हैं। सुबह 3 बजे से पहला शो रखा जा रहा है। लोग ट्रकों में भर कर फिल्म देखने आ रहे हैं। अगर 500 लोग बैठे हैं तो 100 खड़े होकर पिक्चर देख रहे हैं। ये मल्टीप्लेक्स वाले दौर से पहले की बात है। आज का दौर होता तो इस फिल्म के गानों पर इतनी रीलें बनती कि इंस्टाग्राम क्रैश हो जाता। पर वो 2001 की बात है। तारा सिंह पाकिस्तान जाकर हैंडपंप उखाड़ लाए, जनता पगला गई। 5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने गदर देख डाली। अब जब गदर 2 आ रही है तो हम पुरानी गदर काटने वाली पिक्चर के किस्सों पर बात करेंगे। बताएंगे कैसे पिक्चर के लिए इकट्ठी भीड़ ने थिएटर तोड़ने की धमकी दे डाली और हैंडपंप उखाड़ने वाले सीन के पीछे की पूरी कहानी क्या थी। तो आइए शुरू करते हैं। 14 जून 2001 गुरुवार को अहमदाबाद में गदर का प्रेस शो हुआ। अमीषा पटेल और डायरेक्टर अनिल शर्मा सुबह 6 बजे बॉम्बे पहुंचे। अनिल को यात्रा की थकान थी, नींद आई, सोफे पर ही सो गए। कुछ घंटों बाद फोन बजा, उधर से आवाज आई, हेलो मैं भुवनेश्वर से बोल रहा हूँ, अनिल शर्मा जी से बात करनी है। फोन पर अनिल शर्मा ही थे, उन्होंने हामी भरी। फिर आवाज आई, अरे जी आपने क्या कर दिया, बवाल कर दिया, दंगा कर दिया, मैं बर्बाद हो गया, मेरा थिएटर टूट जाएगा। अनिल शर्मा ने आदमी का परिचय पूछा, उसे शांत होने को कहा। पता चला वो आवाज थी भुवनेश्वर के एक थिएटर मालिक की। उसने कहा, अरे लोग पागल हो गए, पैसे फेंक रहे हैं, 3000 से ज्यादा पब्लिक बाहर आ गई है। दरअसल फिल्म के एक शो का इंटरवल हुआ था। अगले शो से पहले 3000 लोग थिएटर के बाहर आ गए थे। वो थिएटर को तोड़ने की धमकी दे रहे थे। अनिल शर्मा की सांसें अटक गई, कहीं दंगा तो नहीं होने वाला। उन्हें जानना था कि आखिर हुआ क्या। आगे की बातचीत में पता चला उन 3000 लोगों को तुरंत पिक्चर देखनी थी, नहीं तो वो थिएटर तोड़ देते। थिएटर मालिक ने आगे कहा, पब्लिक ने गदर काट दिया है, हर डायलॉग पर लोग पैसे फेंक रहे हैं, इंटरवल के बाद भी ऐसा ही है क्या, लोगों को पिक्चर इतनी पसंद आ गई है उन्होंने फोन करके जनता बुला ली है, अब इनको मैं टिकट कहाँ से दूँ, मेरे पास टिकट ही नहीं है। अनिल शर्मा एक्साइटेड थे, खुश थे, उन्हें लग रहा था गाड़ी चलने की। उन्होंने अपनी पत्नी से खुशी जाहिर की, कहा गदर हो गया। उनकी पत्नी ने सामने पड़ा अखबार दिखाया, उसमें फिल्म का रिव्यू छपा था जिसकी हेडलाइन थी, गटर एक प्रेम कथा। गदर ने ऐसी धूम मचाई कि कुछ समय बाद ये एक त्योहार बन गई। एक ऐसा दौर आया कि लोग थिएटर में जमीन पर बैठकर फिल्म देखते थे, जनता लाइन लगाए खड़ी रहती, सिनेमा हॉल वालों के टिकट खत्म हो जाते। बॉक्स ऑफिस इंडिया के मुताबिक गदर का इंडिया में फुटफॉल 5.5 करोड़ है। हम आपके हैं कौन का 7.39 करोड़ और बाहुबली 2 का 5.25 करोड़ फुटफॉल है, यानी फुटफॉल के मामले में गदर 3rd नंबर पर है। हालांकि अनिल शर्मा तो कहते हैं कि इसका फुटफॉल 17 करोड़ है, जो पॉसिबल नहीं है। संभव है वो वर्ल्ड वाइड फुटफॉल की बात कर रहे हों, फिर भी 17 करोड़ बहुत बड़ा नंबर है। खैर, इसकी पॉपुलैरिटी की एक और मिसाल देते हैं। पिक्चर रिलीज हुए करीब 6 महीने हो चुके थे, एक फाइनेंसर आए, डायरेक्टर साहब को गले लगाने की इच्छा जाहिर की। कारण पूछने पर वो सुनाते हैं एक किस्सा। फाइनेंसर पंजाब के गांव में एक थिएटर खोलना चाह रहे थे, उसी सिलसिले में वहां जमीन देखने पहुंचे। पता चलता है वहां मेला चल रहा था, वो भी कोई ऐसा वैसा नहीं, गदर मेला। लोगों ने टेंट लगा रखे थे, वहीं अपना खाना बनाते थे, पब्लिक ट्रैक्टर से भरकर 3-4 दिनों के लिए रुकने आई। वहां जनता पिक्चर के बैक टू बैक कई शोज देखती और फिर घर जाती। फाइनेंसर साहब यही सब देखकर भावनाओं के अतिरेक में अनिल को गले लगाना चाहते थे। गले लगाकर उन्होंने कहा होगा, क्या बवाल चीज बना दियो वे। बहरहाल इस किस्से के बाद बढ़ते हैं हैंडपंपी किस्से की ओर। गदर को याद करने की तमाम वजहें हो सकती हैं। यदि आपको एक ऑप्शन चुनना हो तो शायद आप सनी देओल का हैंडपंप उखाड़ना ही चुनें। जब अनिल शर्मा ये सीन शूट करने वाले थे, उनके क्रू में ही कई लोग थे जो नहीं चाहते थे कि तारा सिंह हैंडपंप उखाड़े। पहले पहल सनी भी इसके लिए राजी नहीं थे, पर डायरेक्टर साहब ने उन्हें मना लिया। कई लोगों ने इसे अतार्किक बताया, पर अनिल का मानना था इमोशन का कोई लॉजिक नहीं होता, गुस्से में आदमी कुछ भी कर देता है, आदमी 100 लोगों को अकेला मार सकता है। उस सीन में सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि तारा सिंह अशरफ अली की सारी बातें मान लेता है, पाकिस्तान जिंदाबाद से लेकर इस्लाम कबूल करने तक। अब इसके बाद उससे हिंदुस्तान मुर्दाबाद बोलने को कहा जाता है, पर इस पर तारा सिंह आग बबूला हो जाता है। अब यहाँ अनिल शर्मा को इमोशंस आउटबर्स्ट दिखाना था, ऐसा लगे कि इससे ज्यादा गुस्सा कुछ हो नहीं सकता।
अनिल ने एक जगह कहा है कि उनका बस चलता तो वो तारा सिंह से बिल्डिंग उखड़वा देते, पर ऐसा संभव नहीं था। बिल्डिंग को हाथ से पकड़ा नहीं जा सकता, इसलिए उन्होंने हैंडपंप उखड़वाया। अनिल शर्मा कहते हैं, हैंडपंप उखाड़ना प्रतीकात्मक था ताकि लोगों को तारा सिंह के गुस्से का पता चल सके। जब हनुमान जी संजीवनी बूटी ढूंढने गए, उन्हें नहीं मिली, वो पूरा पर्वत उखाड़ लें सिर्फ इमोशन की वजह से। तारा सिंह हनुमान जी तो नहीं है, पर हैंडपंप तो उखाड़ ही सकता है। गदर के किस्सों की पहली किस्त यहीं पर रोकते हैं। अगली किस्त में कुछ और मजेदार किस्सों के साथ हम मिलेंगे। कैसे कश्मीरी पंडितों पर बन रही फिल्म गदर के लिए रोक दी गई, गोविंदा पिक्चर की स्क्रिप्ट सुनकर डर क्यों गए, कुर्ता पैजामा पहनकर आए हुजूम पर लाठीचार्ज क्यों हो गया, ऐसे तमाम मजेदार किस्से जाने के लिए देखिएगा गदर किस्सों की अगली किस्त। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपके लिए पूरे किस्से लेके थे हमारे साथी अनुभव ने। मैं हूं मेघना, देखते रहिए ललित टॉप सिनेमा। शुक्रिया।